Concept of supply, question 1. X of Bangalore owns properties in different parts of Karnataka. From the information given below, find out GST for the quarter ending March 31, 2020. GST rate is 18%, that is CGST 9% and SGST 9%. Municipal tax pertaining to these property is ₹44,000. Expenditure on repair is ₹1,32,000. Fire insurance paid by Mr. X is ₹48,000. Now let us read the other details. Rent of residential building 1 given on rent to Y, a salaried employee, for his residence, ₹15,00,000. Rent of residential building given on rent to a bank for residence of a branch manager, ₹22,00,000. Rent of vacant plot of land 3 given on rent to a manufacturing company, ₹6,00,000. Rent of vacant land 4 given on rent for agricultural purposes, ₹3,50,000. Rent of commercial building 6 given on rent to A who has a sole proprietary business, ₹1,50,000. Rent of residential building 5 given on rent to Z Limited for residence of employees, ₹4,00,000. Rent of residential building 7, it is situated in residential area but used for commercial purposes and it is given on rent on the understanding that the tenant can use it for commercial purpose if there is no objection by the municipal corporation, ₹8,50,000. Now एक बार अच्छा से देखते हैं, यहाँ पे कंपटीशन ऑफ जीएसटी हमें करना है। क्या बताया गया है कि एक्स जो है बैंगलोर में रहते हैं और उनके पास 7 प्रॉपर्टी है। ये 7 प्रॉपर्टी को वो यूज कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स जो है उन्होंने दिया है 44,000, रिपेयर किया है इन सारे बिल्डिंगों का 1,32,000, फायर इंश्योरेंस उन्होंने पे किया है 48,000। और यहाँ पे दिया गया है कि नहीं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग 1, रेसिडेंशियल बिल्डिंग 2, फिर प्लॉट ऑफ लैंड है 3 नंबर, प्लॉट ऑफ वेकेंट लैंड है 4 नंबर, ये सारे, फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग 4, 5 है, कमर्शियल बिल्डिंग है 6, रेसिडेंशियल बिल्डिंग 7। तो ये सारे 7 प्रॉपर्टीज जो हैं, ये सब 7 प्रॉपर्टीज को वो किस तरह से यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी और हमें किस तरह से उन्हें जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। सो देखते हैं यहाँ पे कंपटीशन ऑफ जीएसटी ऑफ एक्स। रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 1, सबसे पहला 1 क्या था, रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 1 गिवन ऑन रेंट टू वाई अ सैलरीड एम्प्लॉय फॉर हिज रेसिडेंस, ₹15,00,000, ठीक है। सो इन दैट केस यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा, हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि अगर कोई रेसिडेंशियल पर्पस में कोई भी बिल्डिंग किसी को देता है, रेंट पे देता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। देन रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 2 गिवन ऑन रेंट टू अ बैंक फॉर रेसिडेंस ऑफ अ ब्रांच मैनेजर। देखिए, मिस्टर एक्स हैव गिवन दैट बिल्डिंग ऑन रेंट टू द बैंक। बैंक क्या किया, अपने एम्प्लॉय को उसमें रहने के लिए यूज करने के लिए कह रहा है। तो इन दिस केस अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो फिर मिस्टर एक्स जो है ब्रांच मैनेजर को उस बैंक के, उसे उसने रेंट पे दिया और वो प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, और हमें पता है कि रेजिडेंशियल पर्पस में अगर बिल्डिंग को यूज़ किया जाए तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। सो रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 2, लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। नाउ रेंट ऑफ वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड 3, अच्छा वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड 3 क्या है, यहाँ पे देखिए, गिवन ऑन रेंट टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को है, मतलब वो कमर्शियल पर्पस में है, एग्रीकल्चरल भी नहीं है, राइट। सो इन दैट केस उसमें जीएसटी लगेगा, तो हम लोग आउटर कॉलम में 6,00,000 रुपीज लिख देंगे। बाकी ऊपर में जिसमें जीएसटी नहीं लग रहा है उसमें हम लोग निल निल करके लिखेंगे। नाउ रेंट ऑफ वेकेंट लैंड 4 गिवन ऑन रेंट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, हमें पता है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए अगर आप रेंट पे किसी को प्रॉपर्टी देते हैं, लैंड देते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। सो लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, तो निल लिख देंगे आउटर कॉलम में। देन रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5, लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ था कि गिवन ऑन रेंट टू जेड लिमिटेड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेज, 3,50,000 रुपये जो मिस्टर एक्स कलेक्ट कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। द रीजन इज इट इज गिवन ऑन रेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेज।
नाउ रेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग 6, कमर्शियल बिल्डिंग है याद रखना है, कमर्शियल बिल्डिंग इज ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी, सो लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स 1,50,000. रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 7, लेटिंग आउट ऑफ रेसिडेंशियल, अभी देखिए जो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है 7 नंबर प्रॉपर्टी, वहां पे क्या कहा गया है कि इट इज सिचुएटेड इन रेसिडेंशियल एरिया बट यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, है ना, रेसिडेंशियल एरिया में लोकेटेड जरूर है लेकिन उसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया. देखिए द पर्पस फॉर विच द प्रॉपर्टी इज यूज दैट मैटर्स, वेयर इट इज लोकेटेड दैट डज नॉट मैटर. सो इन दिस केस मिस्टर एक्स हैव गिवन द प्रॉपर्टी टू मिस्टर जेड एंड ही इज यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पसेज एंड द रेंटल अमाउंट दैट ही इज कलेक्टिंग इज ₹1,850,000, सो इट इज चार्जेबल टू टैक्स. सो वी विल कैलकुलेट ऑल द आउटर कॉलम अमाउंट्स. सो सारे ऊपर से निल 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 होके आ रहे हैं. एक अमाउंट विच इज 6 lakh रेंट ऑफ वेकेंट लैट फॉर कमर्शियल पर्पसेज, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया गया वो 6 lakh बाहर है, ठीक है. रेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग वो 1,50,000 बाहर है. 8,50,000 फॉर अगेन रेसिडेंशियल बिल्डिंग गिवन ऑन कमर्शियल पर्पज, वो बाहर है. सो इन सबको जोड़ेंगे तो वी आर गेटिंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है 16 lakh rupees एंड देन जीएसटी विल बी कैलकुलेट. देखिए जीएसटी क्या है, जब आप टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं सो जीएसटी उस पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. जीएसटी को हम लोग किस तरह से पेमेंट करते हैं, जीएसटी पेमेंट किया जाता है उसमें, इसमें टोटल जीएसटी का रेट है 18%. सो सिंस यहाँ पे जो जीएसटी जो टैक्सेबल सप्लाई है वो आपका 16 lakh आया, 16 lakh पे 18% ही जीएसटी कैलकुलेट होगा, लेकिन हाफ ऑफ द जीएसटी विल बी कलेक्टेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर हाफ इज कलेक्टेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट. तो इसीलिए सीजीएसटी 9% लिखा गया है यहाँ पे 16 lakh विच इज कमिंग टू 1,44,000 एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ऑन 16 lakh विच इज कमिंग टू 1,44,000. सो टोटल जीएसटी यहाँ पे आ गया 2,88,000. एक नोट है यहाँ पे याद रखना है, एक्स हैज पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर बिल्डिंग. These expenses are not deductible while calculating taxable value of supply. However, input tax credit is allowable. देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपने खर्चा किया है, if any kind of expenses have incurred while providing this kind of services, तो वो आप deduct नहीं कर सकते. भले ही उसके ऊपर अगर आप GST payment किए थे, ठीक है, आपका उसमें GST payment था, मतलब आपने खर्चा किया तो खर्चे पे अगर आप जीएसटी पेमेंट किए थे तो वो जीएसटी आप अपने 2,88,000 के वैल्यू से माइनस कर सकते हैं. तो सिंस दोज डिटेल्स आर नॉट गिवन तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट.